तो भाई स्वागत है आप सभी का हमारे को नए वीडियो के अंदर। एक मिनट में पंखा बंद कर देता हूँ भाई। आज की वीडियो कुछ इस प्रकार है कि आज हम अपने सोनालिका ट्रैक्टर में आप ही दिनों से उसमें हीट मीटर जो है खराब हो रहा है। तो कल मैं गया था चेचड़ की तरफ, तो वहां पे मेरे को उसका हीट मीटर मिल गया, और मिलने के बाद मैंने चलो लेके चलते हैं इसको। थोड़ा सा महंगा तो दिखा मेरे को, उसके साथ साथ मैं लेके आया अपने ट्रैक्टर के लिए वो सीट के जो बूज होते हैं ना, डिस्टिंग वाटर की बोतल लेके आया, तो उसमें बैटरी का पानी भी चेक कर लेंगे कि बैटरी में पानी कम होगा तो डाल देंगे, नहीं होगा तो बोतल को रख देंगे, फिर बाद में काम आएगी। तो इसलिए मैं दो तीन चीज़ें लेके आया था। तो अभी जस्ट नाके मंगलवार है, बालाजी के होके आते हैं, उसके बाद में ट्रैक्टर को देखते हैं कि कैसा क्या उसमें। ट्रैक्टर में ना छोटी मोटी चीज़ें जो खराब हो रही है और चेंज करवा के हम नए डलवाते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है भाई साहब। चलो चलते हैं बिना किसी देरी के, पहले बालाजी के होके आते हैं, उसके बाद में शुरू करते हैं काम। ये भाई इसका पुराना मीटर, और ये अभी लेके आया इसका रिसेंटली नया मीटर जो लगभग 850 रुपये का पड़ा है, और अभी इसको डाल के दिखाएंगे। ये पहले पूरा पुराना था, पहले इसमें क्या था कि इसमें डिग्री वगैरह नहीं पता रखी, देखो ये नया है ना, इसमें डिग्री वगैरह सब बता रखी है, वो भी मैं दिखाऊंगा। पहले तो ऐसा लगा हुआ था, लेकिन मैंने इसको चेक करने के लिए खोला, खोलने के बाद मेरे को टाइम नहीं मिला वापस लगाने के लिए, तो मैंने इसमें ऐसा टेप लगा दिया। इसको टेप को निकालते हैं और मीटर लगाने के लिए खोलते हैं सारा सिस्टम। तो देखो टेप हटा दे सारा, खोल का पन्ना लगता है, ये लगेगा 10-11 का, 10 नंबर का लगता है भाई। ये देखो कौवे ने कैसा काम कर दिया इसमें, देखो ये ऊपर से लेके पूरा नीचे तक यहाँ तक आ गया है। इसको साफ करेंगे, पहले इसका मीटर लगा दें, उसके बाद में इसको एक बार साफ कर लेंगे। देखो कितनी सारी मिट्टी वगैरह हो रही है इस पर, क्योंकि पिछली बार भी जेसीबी भी चल रहा था ना, तब से खड़ा है, तो पूरा सिस्टम इसका ऐसा हो रहा है। बाकी ये देखो बुश लेके आया मैं इसमें सीट में लगाने के लिए, ये रबर, ये इसके प्लास्टिक के बुश है ये, तो ये क्या है सीट बहुत हिलती है ना, तो उसके लिए लाया हूँ मैं, चारों लगा के देख लेंगे, लग जाती है तो ठीक है, वरना दुकानदार ने कहा था कि वापस लाना, नहीं लगते हैं तो दूसरे चेंज करके दे देंगे। और ये पानी की बोतल डिस्टिंग होता है, तो ये डालेंगे बैटरी में। काफ़ी दिन हो गया जब से बैटरी डाली ना, तब से इसमें ना पानी डाला ना चेक किया, कुछ भी नहीं किया, जैसे लग रहा है वैसे लग रहा है। आज मैं फ्री था और ट्रैक्टर भी खड़ा है घर पे, इसमें हवा कम हो रही है, तो मैं कहा चलो कर लेते हैं इसका मीटर, दिखाता हूँ मैं आपको खोल के। ये देखो मीटर लेके आया मैं नया, तो कुछ इस प्रकार से आया मीटर इसका इस बार। भाई देखो ये इस बारी इसमें मतलब ये पूरा इसका डिग्री वगैरह सब दिखा रखी है इसमें, और जो अपना पुराना मीटर था ना ये, इसमें डिग्री वगैरह कुछ भी नहीं है। ये देखो यार छोटा भी लग रहा है इससे, नहीं छोटा नहीं है, सेम ही है, देखते हैं। ये देखो सेम ही है मीटर, बाकी आज ये मीटर काम करने शुरू कर देगा इसका, क्यों काफ़ी दिनों से लगभग 3 महीने हो गए, 3 महीने से बंद पड़ा है ये मीटर। पहले वाला भी अच्छा था मीटर जो है इसमें ना, इसको भी रखेंगे अंदर रख देंगे इसको। इसका जो है सेंसर खराब हो गया है मीटर का, और इसका जो सेंसर वगैरह सब कुछ नया है, अच्छे से वर्क कर रहा है, कल वहीं पर उन्होंने चला के भी दिखाया था मेरे को। ये जो सिरा होता है ना इसका, पारा वाला सिरा होता है ये, दिखाऊँ मैं आपको इधर से, ये जो सिरा होता है ना पारा वाला, तो ये इसमें लगेगा यहाँ पे, शो उठानी पड़ेगी इसकी। चलो पहले इसको जमा लेते हैं, उसके बाद में दिखाऊंगा आपको। नट खुल गए सारे, हाँ ये ऊपर का दो भी खोल रहे हैं, एक उठे ही खुलता है, उठा खोल, नट हो गए सारे फ्री। ट्रैक्टर की हो रही हालत खराब, क्योंकि ये 4-5 दिन से खड़ा हुआ है भाई ट्रैक्टर, धूल मिट्टी में, देखो कितनी धूल मिट्टी हो रही है पीछे, ये जेसीबी पे चला था ना तो पूरा धूल मिट्टी में हो रहा है,
काले ऑयल वगैरह खंड रहे पीछे देखो, बिखरे पड़े हैं ऑयल वगैरह। एक बार वॉशिंग कर लेंगे इसकी मीटर लगाने के बाद। देखो कितना बदला लग रहा है ना बिना मीटर के। जैसे अभी ये मीटर था पहले, इसमें पुराना वाला, इसमें ऐसे लगा हुआ था, ये ऐसे लगा हुआ था, तो वो अच्छा लगता था, गुड लुकिंग। निकलने के बाद ऐसा लग रहा है, तो मैंने इस पर टेप लगा दी थी काफी दिनों के लिए। चलिए देखो यहाँ पे लाओ, इसमें लगेगा ये मीटर, जो पारे वाला है ना सिस्टम वो इसमें लगेगा अंदर। तो इसको निकाल कर आते हैं, कहाँ से निकलेगा ये, पहले वाला तो यहीं से निकला हुआ था। चलो करते हैं शुरू, लगाते हैं मीटर। पहले इसका जो पीछे का है ना ये नट खोल लेते हैं, क्योंकि ये बाद में कसने पड़ेंगे नीचे, वरना फिर मीटर हिलेगा। ये पुराने भी पड़े हैं मेरे पास, लेकिन पूरा सिस्टम नया डाल रहे हैं तो नया डाल देते हैं, इसको भी क्या करेंगे। ये सब क्लिप लगता है नीचे से, पहले वाले जो कोयल थे इसमें उसमें काफी अच्छा कॉपर दे रखा था ऊपर, लेकिन इस बारी बहुत हल्का कॉपर लग रहा है मेरे को। ये क्या करें, मार्केट में एक ही मिला यहाँ पे, और कहीं पे मिल भी नहीं जाता है। तो भाई बहुत सारी मुसीबत के बाद में यहाँ पे लगने का में आया है, थोड़ा सा अटका है ये, तो इसको फुल टाइट कर लेते हैं, क्योंकि ये निकल जाएगा तो फिर दिक्कत करेगा। तो लेके आता हूँ मैं कसने के लिए, इसमें क्या है कि प्लायर से कस देते हैं टाइट, बाकी इसमें क्या होगा कि ये निकलेगा नहीं। तो लग के कंप्लीट मीटर, देखो क्या लुक आई है इसकी लगने के बाद। देखो चलो इसकी तो लाइफ बन गई। और ये जो अपने बुश लेके आए थे इसमें सीट में लगाने के लिए, इनकी साइज जो बड़ी है तो ये इसमें आए नहीं अंदर, तो इनको रख लेंगे घर पे, तब जब भी उधर 6 सेट तब जाना होगा ना, तो इनको फिर से चेंज करा लेंगे। 40 रुपये, 80 रुपये गए, 20 रुपये का आए गए, तो 80 रुपये गए चार। जब भी उधर जाना होगा चेंज करवा के लाएंगे, दूसरे लाएंगे वो इसमें डाल देंगे। अभी ट्रैक्टर को स्टार्ट करके देख लेते हैं मीटर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मीटर तो लगा दिया हमने, लेकिन रिस्पांस कुछ दिखा नहीं। या तो हो सकता है ट्रैक्टर गर्म होने के बाद वो काम करेगा, पता नहीं क्या है सिस्टम उसका। तो शाम को चलेंगे हाँकने के लिए, हल्के करने के लिए, तो उसमें पता चलेगा कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो कैसे लगी आपको वीडियो कमेंट में बताना, और अगर आपके भी हीट मीटर में प्रॉब्लम है, कौन सा आपके पास हीट मीटर है, पुराने मॉडल है ट्रैक्टर का, तो उसमें लगभग आपको 700-800 रुपये खर्चा करने वाला है, जितना उसमें हीट मीटर लगेगा, या कोई अदर कोई सा मीटर का वीडियो आपको चाहिए हो वो कमेंट कर लेना, कमेंट कर लेना। उसमें मैं हीट मीटर का या किसी भी मीटर का, आरपीएम मीटर का, बैटरी मीटर का, या फिर ऑयल मीटर का, सभी का वीडियो बना के डाल दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।